महाराष्ट्र के सुनार की हत्या के सनसनीखेज अंधे कथक का पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। रिपोर्ट करने वाला फरियादी ड्राइवर ही निकला हत्या का मुख्य मास्टरमाइंड। बलकवाड़ा पुलिस ने ड्राइवर अकील सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नेशनल हाईवे पर बलकवाड़ा थाने मुकुंदपुरा के पास खून में लथपथ मिली थी 42 वर्षीय उमेश नगरे निवासी थाना लोणी शिरडी जिला अहमदनगर महाराष्ट्र की लाश। लाश मिलने पर मच गया था हड़कंप। मृतक का ड्राइवर फरियादी ने अपने ही 2 साथियों से मिलकर की थी हत्या। SP धर्मराज मीना ने कसावत थाने में पत्रकार वार्ता कर हत्या का किया खुलासा। पुलिस को गुमराह करता रहा फरियादी। मृतक उमेश ने अपने ड्राइवर अकील से उधार के रुपए वापस मांगने और धमकी देने पर फरियादी ड्राइवर ने भी अपने 2 साथी अंसार और अहमद के साथ मिलकर की हत्या। अज्ञात कार सवार 4 बदमाशों ने हत्या कर फरार होने की। जुलवानिया थाने में आरोपी फरियादी अकील ने रिपोर्ट दर्ज कर बनवाई थी कहानी। अजमेर राजस्थान से घूमकर महाराष्ट्र के अहमदनगर जाने के दौरान बलकवाड़ा थाने के मुकंदपुरा के पास आरोपियों ने की थी हत्या। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। आप सभी जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले ही एक घटना हाईवे के पास में घटी, जिसमें एक व्यक्ति का शव ठेकरी के पास में मिला और यह पता चला कि उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और उसके साथियों ने जिला बड़वानी के जुलवानिया में जाकर बताया कि उसका एक साथी जिसका नाम उमेश है उसको कुछ अज्ञात लोगों ने रास्ते में मार दिया है और ये सभी साथी अजमेर से वापस महाराष्ट्र की ओर लौट रहे थे। इस संबंध में उन्होंने डायल 100 पे भी सूचना दी और ये डायल 100 की सूचना के इवेंट पे जिला बड़वानी के जुलवानिया की टीम आई और मौके पे उन्होंने देखा कि ये घटना खरगोन जिले की सीमा में आती है और बलकवाड़ा थाना लगता है। तो खरगोन जिले में सुबह 8 बजे बलकवाड़ा थाने पर सूचना मिली और जो फरियादी था उसे पता किया कि किस प्रकार से यह घटना घटी। तो उसने बताया कि वे सभी महाराष्ट्र के अहमदनगर के रहने वाले हैं और अपने साथी के साथ में राजस्थान के अजमेर में घूमने के लिए गए थे और वापस लौटते समय रास्ते में उनकी गाड़ी को कुछ अज्ञात लोगों ने रुकवाया और उस गाड़ी को रुकवाने के पश्चात उनके साथी को मार दिया और उनको धमका कर भेज दिया कि वे यहाँ से चले जाएं अन्यथा उनके साथ में भी कोई घटना की जा सकती है। हमारी टीम में हमारे एडिशनल SP साहब, हमारे SDOP मंडलेश्वर, हमारे थाना प्रभारी बलकवाड़ा, हमारी चौकी खलटका के अधिकारी कर्मचारी और पूरे सब डिवीज़न की टीम लगी और इसमें पता किया कि वस्तुतः हुआ क्या है। इन 3 साथियों से जो कि मृतक के साथ में ही अजमेर गए थे इनसे अलग अलग करके पूछताछ करी तो इन्होंने कई तरह से गुमराह करने का प्रयास किया और बताया कि इन्होंने कई जगह होटल ढाबे पर रुक के चाय पी और अलग अलग जगह जाना बताया। तो इन सभी तथ्यों को जब देखा और CCTV फुटेज से मैच कराया और साथ ही साथ दूसरे तकनीकी साक्ष्य जुटाए और इनसे हिकमत अमली से पूछा तो इन्होंने बताया कि इन्होंने ही उमेश को मारा है और जो मृतक उमेश है वह भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और कई गंभीर अपराधों में फरार चल रहा है। साथ ही मृत्यु का अगर इमीडिएट कारण जानने का पता किया तो ये पता चला कि जो आरोपी गण है इनको मृतक ने कुछ पैसे उधार दिए थे और मृतक इनसे वो रुपए वापस मांग रहा था। ये पूर्व से ही मृतक से परिचित थे। इनमें से जो एक व्यक्ति है वो मृतक के साथ में ड्राइविंग का काम करता था। तो इस प्रकार से हमारी पुलिस टीम ने इस पूरी वारदात का खुलासा किया। 24 घंटे में इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इनसे घटना में प्रयुक्त जो धारदार हथियार था वो भी बरामद किया और किस प्रकार से इस पूरी घटना को अंजाम दिया है इसका पूरा मौके पे वीडियो और फोटो हम लोगों ने कराया। इसमें हमने हमारी FSL की टीम और हमारी जो साइबर टीम है उसके भी बहुत महत्वपूर्ण सहयोग हमें मिला और सारे साक्ष्य संकलित किए। तो इस प्रकार से बहुत ही जघन्य और सनसनीखेज वारदात का खुलासा खरगोन पुलिस ने किया है और इस घटना में शामिल 3 ही आरोपियों को गिरफ्तार करने में हमें कामयाबी मिली है।
Subscribe now to most exciting channel ever.